हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। जैसा कि आप सभी का लगातार क्वेश्चन था, लगातार आपकी रिक्वेस्ट थी, सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स 2020 के कुछ क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उनके क्वेश्चन के सोचना आप प्रोवाइड कीजिए। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर हम कुछ वीडियो जो आपके लिए स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के जो 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है उनके जो सोल्यूशन है हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो ये बात करेंगे आज पेपर 6 के बारे में, कॉम्प्लेक्स एलर्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय करें एंड नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए जैसा कि हम बात करें आप सभी के लिए असाइनमेंट सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप सभी के लिए 2020 के जो क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ ही साथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट ईयर में क्रैश कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया होगा। तो आप सभी यदि नालंदा से एडमिशन लिया था आपने 2021 में, तो आप सभी अपनी जो तैयारी है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर कर सकते हैं एंड आप सभी को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बात करेंगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही आसान है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एमएससी मैथमेटिक्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोचने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या हमारे पास वी हैव गिवन द स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन क्या हमारे पास फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है हमारे पास। गिवन क्या हमारे पास Z = -2, 0, 2 into the points W = 0 आयोटा एंड माइनस आयोटा रिस्पेक्टिवली। हमारे पास गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास सही बात करनी थी, हमें क्या करना फाइंड करने में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन हमारे पास पॉइंट्स है जेड प्लेन के अंदर जो है हमारे पास -2, 0 एंड 2 जो मैप करते हैं हमारे पास डब्ल्यू प्लेन के अंदर 0 आयोटा एंड माइनस आयोटा पे। तो जैसे कि आप जानते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है ये बात करेंगे, उससे पहले इनको नाम देंगे हम, वी विल नेम इट एज हम क्या नाम देंगे इनका Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3। तो ये बात करते हैं हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में, तो क्या होगा आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करें हमारे पास वी हैव गिवन सॉल्यूशन के बारे में बात करें लेट करते हैं Z1 हमारे पास किस इक्वल है -2 था हमारे पास जो भी गिवन थे हमारे पास -2 Z2 मान लिया हमारे पास 0 के इक्वल गिवन एंड Z3 हमारे पास मान लिया 2 के इक्वल गिवन है। सेम W1 मान लो क्या जो था क्या था गिवन था हमारे पास दैट वाज 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 W2 हमारे पास मान लिया माइनस आयोटा अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म प्लस आयोटा तो प्लस आयोटा मान लो एंड W3 मान लिया माइनस आयोटा के इक्वल मान लिया। ठीक है जी, हमने मान लिया Z1, Z2, Z3 W1, W2, W3। जैसे कि आप सही पढ़ चुके हैं क्रॉस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेजुएशन पढ़ चुके हैं आप कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्रॉस रेशो इज गिवन बाय क्रॉस रेशो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है दैट इज क्या होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू क्या होता है W - W1, W2 - W3 अपॉन क्या होता है हमारे पास W1 - W2 एंड लास्ट में आता है W3 - W2। सेम यहां पे क्या होगा हमारे पास राइट साइड क्या होगा Z - Z1, Z2 - Z3 नीचे क्या होगा हमारे पास यदि बात करें वी अगेन हैव क्या होगा हमारे पास Z1 - Z2 और यहां पे क्या होगा Z3 - Z। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्रॉस रेशियो इन केस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बात करें तो हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास हमें सारे वैल्यू पुट कर देने, हमारे पास क्या था वी नो बाय द Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3 इन सभी वैल्यू पुट करें तो व्हाट वी गेट, और एक बात ध्यान रखें W को W रखेंगे जो हमारे पास टर्म है एंड Z को
जेड रखिए जहां भी हमारे पास गिवन, ठीक है जी। बाकी सारे इनपुट कर देंगे आप, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट करने वाले तो क्या होगा हमारे पास W माइनस W1, W माइनस जीरो, ठीक है जी, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा W2 माइनस W3, W2 क्या हमारे पास आयोटा माइनस ऑफ माइनस आयोटा, ठीक है जी, आयोटा माइनस आयोटा। अब कौन क्या होगा हमारे पास W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 क्या होगा जीरो माइनस आयोटा इंटू क्या होगा W2 माइनस W, W3 क्या हमारे पास माइनस आयोटा माइनस W, सारे इनपुट कर दिया आपने। हमें क्या करना है, जस्ट हमें जो गिवन वैल्यू थी हमारे पास जेड प्लेन उसको नाम दिया जेड वन जेड टू जेड थ्री, डब्ल्यू प्लेन में जो वैल्यू थी हमारे पास उनको नाम दिया डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, ठीक है जी। अगेन जस्ट हमें याद रखना हमारे पास क्लोजेस्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, देखो डब्ल्यू तो आप देख सकते हैं सेम डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, ठीक है जी। मिडल में क्या है जो थे हमारे पास W1 माइनस W2 नीचे आएगा फिर एंड टर्मिनल हमारे पास सबट्रैक्ट होगा W3 माइनस W2 का, जो यहां पे किया वही सेम केस यहां Z के लिए करोगे आप Z माइनस Z1 इनटू Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 इनटू Z3 माइनस Z। अब सारे इनपुट करें तो हमारे पास उठ भी गेट हमारे पास क्या आएगा, ये बात करें राइट साइड पुट करें तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू क्या होगा Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 क्या माइनस 2, Z O माइनस O माइनस 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है Z2 माइनस Z3, Z2 क्या जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू, नीचे क्या होगा Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, माइनस टू माइनस जीरो, माइनस टू माइनस जीरो, और Z3 माइनस Z, Z3 क्या टू, टू माइनस Z, टू माइनस Z, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट डू द कैलकुलेशन क्या होगा, छोटे से कैलकुलेशन करें तो क्या होगा हमारे पास यदि बात करें हमारे पास डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू था यहाँ पे क्या था जीरो, डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू था यहाँ पे क्या था जीरो, ठीक है जी। जीरो माइनस आइटा माइनस आइटा आइटा माइनस माइनस प्लस टू आइटा हो गया, राइट साइड क्या होगा जेड प्लस टू होगा माइनस टू होगा माइनस टू और कौन क्या होगा माइनस टू होगा यहाँ पे क्या होगा टू माइनस जेड, कैंसिल करने जो टर्म कैंसिल हो गया हमारे पास वी कैन कैंसिल आउट सेम क्या होगा हमारे पास आइटा साइटा कैंसिल होगा व्हाट वी गेट यहाँ पे बचेगा डब्ल्यू माइनस बदले के हमारे पास तो क्या बचेगा हमारे पास वी गेट W अपॉन में W अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास W अपॉन में आयोटा प्लस W हो जाएगा, माइनस वन था यहाँ पे माइनस दस आया तो क्या होगा प्लस का साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा आयोटा प्लस W, आयोटा प्लस W राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास वी हैव Z प्लस टू अपॉन में टू माइनस Z क्या बचेगा Z प्लस टू अपॉन क्या बचेगा हमारे पास टू माइनस Z वी गेट टू माइनस Z यदि कोरोला कर ले हमारे पास बट वी गेट हमारे पास क्या बचेगा यदि कोरोला करें हमारे पास क्या बचेगा वी कैन राइट W प्लस आयोटा अपॉन W इक्वल टू टू माइनस Z अपॉन टू प्लस Z बोलते हैं Z प्लस टू एक ही बात, ठीक है जी। एंड हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास ओके ठीक है जी ठीक है। अब यदि बात करें हमारे पास W प्लस आयोटा अपॉन W आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है हमारे पास टू प्लस Z एंड टू हमारे पास यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई में था कि हमारे पास ये चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या था ओके मतलब हमारे पास जेड माइनस जेड वन था ठीक है माइनस टू कैंसिल हो गया जेड प्लस टू ठीक है ओके ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपल स्टेप जो भी हमारे पास है वैल्यू आप कर देंगे सोल्व करना हमारे पास वैल्यू ये आ गई हमारे पास ठीक है जी ठीक है। तो यहाँ पे था एक टू था साथ में यहाँ पे क्या था आयोटा प्लस आयोटा टू आयोटा टू रह गया था हमारे पास यहाँ पे टू यहाँ पे आएगा हमारे पास टू नीचे आएगा तो टू को मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे ठीक है जी। तो क्या बचेगा हमारे पास W प्लस आयोटा अपॉन W इक्वल टू फोर माइनस टू जेड अपॉन टू प्लस जेड ये टर्म हमारे पास आई ठीक है जी। इसको अलग भी किया जा सकता है हमारे पास क्या कर सकते हैं W अपॉन W कर देंगे आयोटा अपॉन W कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास व्हाट वी गेट हमारे पास क्या बचेगा टर्म वी गेट वन प्लस आयोटा अपॉन W इक्वल टू क्या होगा फोर माइनस टू जेड अपॉन में टू प्लस जेड ठीक है जी।
यदि मात्रा आयटा अपॉन डब्ल्यू निकालो तो क्या होगी, 4 माइनस 2 जेड अपॉन 2 प्लस जेड, इसको सुधर लेके जाएंगे हमारे पास तो माइनस 1 हो जाएगा, अगेन वी नीड टू टेक एलसीएम, क्या होगा 2 प्लस जेड एलसीएम आएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 2 जेड माइनस 2 माइनस जेड, बट वी गेट आयटा अपॉन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 माइनस 2 जेड माइनस 3 जेड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, वट वी गेट अपॉन में 2 प्लस जेड, ठीक है जी, 4 प्लस 2 गेट 2, माइनस 2 जेड माइनस जेड माइनस 3 जेड, तो आयटा अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू आ गया 2 माइनस 3 जेड अपॉन में 2 प्लस जेड, इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस जेड अपॉन 2 माइनस 3 जेड इनटू आयटा, ठीक है जी, इट इज द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसमिशन, ये हमारे पास कह रहा है इट इज द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसमिशन, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि सी बी गिवन क्रॉस सेक्शन के हिसाब से हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसमिशन का आंसर दिया, हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है हमारे पास जो मैपिंग के पॉइंट थे जेड प्लस जेड ऑफ पॉइंट, ठीक है जी, वही तो बात करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, तो आज हमने बात की कैसे हम बाइलिनियर ट्रांसमिशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर बेसिक पॉइंट्स लाइक जेड प्लेन पॉइंट गिवन थे एंड वी हैव गिवन पॉइंट इन द डब्ल्यू प्लेन, तो हमने जेड प्लेन हमारे पास पॉइंट थे -2 0 एंड 2 एंड डब्ल्यू प्लेन पॉइंट थे 0 आयोटा एंड माइनस आयोटा, विद द हेल्प ऑफ दीस पॉइंट वी नीड टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी थी, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारे पास, वी जस्ट नेम, हमने क्या करना हमारे पास नाम देना, हमने इसका नाम दिया जेड वन, इसका नाम जेड टू, इसका नाम जेड थ्री नाम दिया हमने, जेड प्लेन में पॉइंट को नाम देंगे जेड वन जेड टू जेड थ्री एंड डब्ल्यू टू नाम देंगे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, ठीक है जी, पहला काम यहाँ पे रहेगा हमारे पास, तो हमने लिखा हमारे पास जेड वन इक्वल टू क्या लिख दिया हमने हमारे पास जेड इज टू माइनस टू जीरो टू बाय डब्ल्यू वन लिख दिया हमारे पास जीरो डब्ल्यू टू आयटा डब्ल्यू थ्री हमारे पास माइनस आयटा, आप जैसे कि जानते हैं वी हैव द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस रेशियो, हमारे पास क्या होता है क्रॉस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास क्रॉस रेशियो क्या होता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री अपॉन में डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू, सेम राइट साइड होता है जेड माइनस जेड वन इंटू जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड थ्री माइनस जेड, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री हम निकाल चुके हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री हम निकाल चुके हैं, हमने सारे इनपुट कर देनी है, जस्ट कैलकुलेशन वर्क करना और कुछ भी मुश्किल काम नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज डब्ल्यू माइनस जीरो, यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी जीरो थ्री पुट कर दी, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री क्या होगा आयोटा माइनस माइनस आयोटा, तो क्या होगा प्लस टू आयोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, हमने पहले वैल्यू पुट कर दी जस्ट डब्ल्यू माइनस जीरो आयोटा माइनस माइनस आयोटा, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन क्या था हमारे पास जीरो माइनस आयोटा, जीरो माइनस आयोटा, ठीक है जी, जीरो माइनस आयोटा कर दिया, जीरो माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू थ्री क्या माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू, सेम रखेंगे, ध्यान दें W को आप सेम रखेंगे जो W था हमारे पास और सेम राइट साइड जेड जो हमारे पास है इसको भी आप सेम रखेंगे, ठीक है जी, तो ये ध्यान देने वाला स्टेप है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास, ठीक है जी, अब हमने क्या किया सेम राइट साइड वाली क्या थी जेड वन जेड टू जेड थ्री को था, जेड वन क्या हमारे पास जेड वाज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पुट करते माइनस टू, जेड टू माइनस जेड थ्री जीरो माइनस टू अपॉन जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन क्या है माइनस टू माइनस जीरो और क्या है हमारे पास जेड थ्री माइनस डब्ल्यू जेड तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा W 2 W अपॉन में आयटा प्लस W इक्वल टू बचेगा Z प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस Z जो हमारे पास थी, इसके बाद हमने वही लिख दिया 2 W लेफ्ट साइड था अपॉन में आयटा प्लस W इक्वल टू क्या था Z प्लस 2 अपॉन 2 माइनस Z, हमने क्या किया 2 को शिफ्ट कर दिया हमारे पास कहां पे, हमने क्या किया पहले रेसिप्रोकल कर दिया हमारे पास, टेकिंग रेसिप्रोकल बोलते हैं ऑन बोथ साइड या क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, एक ही बात टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास क्या कह सकते हैं हमारे पास कि हम शिफ्टिंग कर सकते हैं हमारे पास इसको ऊपर लेके चले गए इसको नीचे ले आए, एक ही बात है, तो क्या होगा आयोटा प्लस डब्ल्यू ऊपर जाएगा नीचे 2 डब्ल्यू आएगा हमारे पास, एक ही बात है ऊपर लेके हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा नीचे जेड प्लस टू आएगा जेड टू माइनस जेड बचेगा, ठीक है वही लिख दिया हमारे पास,
ठीक है, अब यदि इसको लेना चाहें हमारे पास एक स्टेप और कर सकते, इससे पहले आप क्या कर सकते, वी कैन राइट दिस एज, क्या कर सकते हैं, पुलिंग रेंज तो क्या होगा, 2 माइनस जेड अपॉन में जेड प्लस 2 बचेगा इक्वल टू क्या होगा, इसको ऊपर लेके चलेगा, इसको नीचे ले आए, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आयटा प्लस w अपॉन में 2 w, ये हमारे पास आएगा। अब w प्लस आइटम था, 2 था नीचे, 2 को परमिट करके हमने जस्ट शिफ्ट दे यहां पे, देन वी गेट दिस टाइप w प्लस आयटा अपॉन w, इट इज इक्वल टू 2 माइनस जेड इनटू 2 जो था 2 w साथ वाला था इनटू 2 अपॉन 2 प्लस जेड, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास, यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां पे क्या होगा 2z हो गया। अगेन क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट अलग-अलग कर सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, w / w विल बी 1, i / w विल बी i / w, राइट हैंड साइड जो लिख दिया हमने सेम है, तो w / w 1 हो गया प्लस i / w, राइट हैंड साइड क्या थे हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास 4 में से हमारे यहां पे क्या थे, राइट हैंड साइड क्या थे हमारे पास, 4 minus 2z upon 2 plus z, 4 minus 2z, 4 minus 2z upon 2 plus z, अब हम को इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, हमारे पास माइनस कर दिया, इनका एलसीएम लिया हमारे पास, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, वी गेट एलसीएम इज इक्वल 2 plus z, 2 plus z एलसीएम आएगा, 4 minus 2z सेम रहेगा, minus 2 minus z आएगा हमारे पास, अगेन 4 minus 2 will be plus 2, minus 2z minus z will be minus 3z, वी गेट आइटा अपॉन w, हमारे पास क्या है, आइटा अपॉन w इज इक्वल टू 2 minus 3z upon में 2 plus z, ठीक है जी, हमारे पास क्या है 2 plus z, ठीक है 2 plus z, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको लिख दे थोड़ा शिफ्ट करके हमारे पास, वी कैन राइट w इक्वल टू, w उसको ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास, इसको ऊपर लेके सुन चाहिए, बट वी गेट, वी कैन राइट w इक्वल टू 2 plus z upon में 2 minus 3z into iota, that's the required bilinear transformation with the help of given point in z plane and w plane, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी given points के हेल्प से जो मैप करते थे z plane to w plane, and we have to find the bilinear transformation, यदि point change करके हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था हमारे पास, दैट वाज द फार्मूला ऑफ क्रोसेस, आप ध्यान दें जो की स्टेप कैसे थे हमारे पास, इस न्यूमेरिकल का था, दैट वाज दिस फार्मूला, दैट वाज द फार्मूला ऑफ क्रॉस रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टेप था, इस यदि आपको ये समझ में आ गया देन यू कैन डू इट वेरी इजीली, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो उम्मीद है क्लैरिटी होगी आपको, लिख के देखें प्रैक्टिस करें, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू शेयर अस, अगेन थैंक यू फॉर विद अस जनरल मैथमेटिक्स, थैंक यू।